بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा मशहूर इब्ने जरीर तबरी कहते हैं कि मैं एक साल हज के ज़माने में मक्का मुकरमा में था तो मैंने खरासान यानी उस दौर में खरासान ईरान और अफ़गानिस्तान समेत इर्द गिर्द के कई ममालिक को कहा जाता था से आए हुए एक शख़्स को ये ऐलान करते हुए सुना वो कह रहा था ए मक्का के रहने वालों ए हज के लिए दूर दराज से आने वालों मेरी एक थैली गुम हो गई है जिसमें एक हज़ार दीनार थे जो शख्स भी मुझे वो वापस कर दे तो अल्लाह ताला उसे बेहतरीन जजा दे और जहन्नुम से आज़ादी अता करे दीनार सोने का सिक्का होता है और आजकल के हिसाब से इसका वज़न चार हज़ार तीन सौ कुछ ग्राम बनता है इस तरह अंदाज़ा कर लें कि एक हज़ार दिनार अच्छा खासा सोने का ख़जाना था ये ऐलान सुनते ही मक्का मुकरमा के एक बूढ़े साहब उठे और उन्होंने उस ऐलान करने वाले को मुखातिब करके कहा ए खरासानी भाई हमारे शहर के हालात आजकल बहुत ही दगरगू हैं हर तरफ कहत साली ने डेरे डाले हुए हैं मज़दूरी के मौाक़े भी ना होने के बराबर हैं फिक्र गुरबत का दौर दौरा है आपके लिए मेरा मशवरा ये है कि आप उस शख़्स के लिए जो आपका माल लौटा दे कुछ इनाम का ऐलान कर दो मुमकिन है कि वो माल किसी फ़कीर और मोहताज के हाथ लगा हो तो जब वो इनाम का ऐलान सुनेगा तो आपका माल लाकर दे देगा ताकि उससे भी हलाल तरीके से कुछ दिनार मिल जाए खरासानी शख्स ने पूछा आपके ख्याल में ऐसे शख्स का इनाम कितना होना चाहिए मका मुक्रमा के रहायशी उन बुज़ुर्ग उमर शख्स ने कहा एक हज़ार दिनार में से कम से कम सौ दिनार तो होने ही चाहिए लेकिन खरासानी शख़्स इस पर राज़ी नहीं हुआ और उसने कहा मैं अपना मामला अल्लाह ताला के हवाले करता हूँ आज मुझे माल ना मिला तो कोई बात नहीं रोज़े क़यामत तो मिल ही जाएगा इतने जरीर तबरी कहते हैं कि मैं ये सारा मुकालमा सुन रहा था और मैं समझ गया कि यह माल किसी और को नहीं इसी बाबा जी को मिला है लेकिन ये बग़ैर किसी हलाल इनाम के उसे वापस नहीं करना चाहता है शायद ये बहुत मोहताज और फकीर है मैंने अपने शक को यकीन में बदलने के लिए और असल सूरत हाल समझने के लिए उसका पीछा किया कि ये कहाँ जाता है वो बाबा जी अपनी जगह से उठे और मक्का कर्मा एक पुराने मोहल्ले के कच्चे घर में दाखिल हुए अपने जरीर तबरी बाहर कान लगाकर सुन रहे थे अंदर घर से आवाज़ आई कि बाबा जी अपनी अहलिया को कह रहे थे एलो बाबा दीनारों का मालिक मिल चुका है और अब हमें दीनार वापस ही करने पड़ेंगे मैंने उसे कुछ इनाम देने का ही कहा लेकिन वो तो उससे भी इनकारी है कई दिनों से फाके की सताई हुई अहलिया ने जवाब दिया मैं पचास साल से आपके साथ गुरबत भरी ज़िंदगी बसर कर रही हूँ लेकिन कभी भी अपनी ज़बान पर हरफ शिकायत नहीं लाई लेकिन अब तो कई दिनों से फाका है फिर हम दोनों की ही बात नहीं घर में हमारी चार बेटियाँ आपकी दो बहनें और आपकी वालदा भी हैं उन्हीं का कुछ ख्याल कर लो ये माल जैसा भी है आज खर्च कर लो कल को मुमकिन है कि अल्लाह तुम्हें मालदार कर दे तो यह कर्ज भी चुका देना बाबा जी ने अपनी लरसती हुई आवाज़ में कहा क्या मैं अस्सी बरस की उम्र में आकर अब हराम खाना शुरू कर दूं जबकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी सब्र शुक्र में गुजार दी है अब तो यूँ समझो कि मैं कब्र में पाँव लटकाए बैठा हूँ मुझसे ये ना हो सकेगा उस पर बीवी भी खामोश हो गई इब्ने जरीर तबरी कहते हैं मैं ये सब बातें सुनकर बहुत हैरान हुआ और वापस हरम शरीफ आ गया अगले दिन जब सूरज कुछ बुलंद हुआ तो वो ही कल वाला खरासानी शख्स अपने गुमशुदा माल का ऐलान करने लगा फिर वही बाबा जी खड़े हुए और उन्होंने कहा अः खरासानी भाई मैंने कल भी आपको एक मुफीद मशवरा दिया था अगर आप हज़ार दिनार में से सौ दिनार नहीं दे सकते तो दस दिनार ही दे दो ताकि अगर किसी ग़रीब फ़कीर मोहताज को आपका माल मिला है तो उसका भी कुछ भला हो जाए इब्ने जरीर कहते हैं कि इस तरह दूसरा दिन भी बीत गया और खरासानी शख़्स को उसका माल नहीं मिल सका जब तीसरे दिन की सुबह हुई तो फिर वो आकर अपने गुमशुदा माल का ऐलान करने लगा अब फिर वो ही बाबा जी खड़े हुए और उन्होंने कहा खरासानी भाई मैंने परसों आपको सौ दिनार इनाम का ऐलान करने का मशवरा दिया लेकिन आप नहीं माने कल दस दिनार का मशवरा दिया उस पर भी आपने इनकार कर दिया चलो एक दिनार इनाम का ही ऐलान कर दो मुमकिन है कि जिस गरीब को माल मिला है उसके घर में कई दिन से फाका हो तो वो एक दिनार से अपने अहलो अयाल के लिए कुछ खाने का इंतज़ाम ही कर लेगा खरासानी शख्स ने फिर बड़ी तंगदी का मुजाहरा करते हुए कहा कि मैं एक दिनार भी देने के लिए तैयार नहीं हूँ अपना माल लूँगा तो पूरा लूँगा वरना रोज़ क़यामत ही फैसला होगा जब बाबा जी ने यह सुना तो उसका पैमाना सबर लबरेज़ हो गया और उस खरासानी शख्स का दामन अपनी तरफ खींचते हुए कहा मेरे साथ आओ कि मैं तुम्हारा माल वापस कर दूँ अल्लाह की कसम जब से ये माल मुझे मिला है मैं एक पल भी सकून की नींद नहीं सो सका इब्न जरीर कहते हैं कि मैं भी चुके से उनके पीछे पीछे चल दिया बाबा जी अपने घर दाखिल हुए दिनार लिए और बाहर निकलकर वो सारे दिनार उस खरासानी शख़्स को दे दिए और देते हुए कहा अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे और अपने फ़जल से हमें रिस्क अता फरमाए मुझे उनके पीछे घर से रोने और सिसकियों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी कि सब कई दिन फाके से थे उस खरासानी शख़्स ने तसल्ली से अपने दीनार गिने और रवाना हो गया अभी वो थोड़ा ही आगे गया था कि अचानक मुड़ा और उन बाबा जी की कुत से उन्हें मुखातब करके कहने लगा एब्यास मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो उन्होंने अपनी मीरास में तीन हज़ार दिनार छोड़े थे और वसीयत की थी कि शर्य तरीक़े पर इसका तीसरा हिस्सा यानी हज़ार दिनार फकराव मसाकिन पर सदका कर दें और मक्का मुकरमा से यह माल उसी नीयत से लाया था कि किसी फ़कीर और मोहताज को देकर अपने लिए और मरहूम वालिद के लिए दुआ कर पाऊँगा मुझे इस सफ़र में आपसे ज़्यादा सफ़ेद पोश कोई नज़र नहीं आया इसलिए ये माल रख लो और अपनी ज़रूरियात में खर्च करो ये सुनकर कयास की आंखों से तशक् भरे आंसू निकल आए और उन्होंने खरासानी शख्स और उसके वालद महरूम को खूब दुआएं दी। फिर जब वो खरासानी शख़्स वहाँ से जाने लगा मैं भी वापस होने के लिए मुड़ा तो पीछे उन्हीं बाबा जी अब वो गयास की आवाज़ सुनाई दी बेटा रुक जाओ मैं पहले दिन से देख रहा हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो और पूरे मामले से बाखबर हूँ मैंने अपने शेख अहमद बिन यूनस यबू रहमतल्ला से और उन्होंने इमाम मालिक रमतुल्लह से और इमाम मालिक रमतुल्ल् ने हज़रत नाफ़िर रहमत से सुना कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ील तहा बताते थे कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु सल वसल्लम ने हजरत हजरत उमर और हज़रतमर औरज़रतली रज़ील को फरमाया था कि जब अल्लाह ताला तुम्हें कोई हदिया यानी तोहफ़ा बग़ैर मांगे और बग़ैर नफ्स के इंतज़ार के दे तो उसे कबूल कर लेना और रद्द करना फिर उन्होंने घर के नौ अफराद के लिए सौ सौ दिनार अलग किए और पूरा दसवा हिस्सा यानी सौ दिनार मुझे इनायत किए और मुझे साथ ही कहा कि ये हलाल माल है इसे एहतियात से खर्च करना इब्न जरीर तबरी कहते हैं मैं वो ही सौ दिनार दो साल तक खर्च करता रहा और ख़ूब इल्म हासिल किया अल्लाह करीम हम सबको अपने लुत्फ व एहसान से इसका यकीन अता फरमा दे कि जो रिस्क हमारे नसीब में लिखा है वो हमें ज़रूर मिलेगा चाहे वो कहीं भी हो और जो रिस्क हमारे हिस्से का नहीं है वो हमारे काम नहीं आएगा ख्वा हमारे हाथ में ही क्यों ना हो बस रज़ हलाल के अहतमाम और हराम रोज़ी से बचने की यही कुंजी है बाकी रज हलाल के लिए मेहनत मस्तू दुआओं और मकबूल वज़ाइफ़ भी बंदे को अल्लाह ताला से जोड़ने के जराए और बहाने हैं